हेलो दोस्तों, लुसेंट रसन जी की इस वीडियो में आपका वेलकम दोस्तों। तो ये वीडियो का 11वां पार्ट है दोस्तों। डेली की तरह आपको मिलने वाला दोस्तों 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले दोस्तों, और सभी क्वेश्चन आपको रट लेना दोस्तों, बिल्कुल भी मिस नहीं करना इस वीडियो को, क्योंकि आने वाले सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जामों के अंदर पूछे जा चुके हैं दोस्तों। और डेली अगर आपको लुसेंट रसन जी की वीडियो प्राप्त करनी है दोस्तों, तो स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए, ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। क्वेश्चन है, राजस्थान इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है, कर्नल टोड को कहा जाता है राजस्थान इतिहास का प्रणेता। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले को अन्न का कटोरा कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, श्रीगंगानगर जिले को कहते हैं अन्न का कटोरा। नेक्स्ट है, राजस्थान में कपास उत्पादक दो प्रमुख जिले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर स, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ दो जिले हैं जहां पर कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, राजपूताना शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर स, जॉर्ज तामर थे सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति। किस जिले में आकाल वुड फॉसिल पार्क स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर जिले में स्थित है आकाल वुड फॉसिल पार्क। नेक्स्ट है, राजस्थान का वह स्थल जहां पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, बागौर है जहां पर पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट है, किराड़ू मंदिर कहां स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर स, बिल्कुल करेक्ट है, बाड़मेर जिले में स्थित है किराड़ू के जैन मंदिर। नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर के अंदर स्थित है प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना। राजस्थान में किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों बोले तो श्यामलाल मीणा और लिंबाराम दोनों को दिया है तीरंदाजी के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट है, राजस्थान में खेलकूद का सामान कहाँ बनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर स, हनुमानगढ़ जिले में बनाया जाता है खेलकूद का सामान राजस्थान में। नेक्स्ट है, तनोट देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, जैसलमेर जिले में स्थित है तनोट देवी का मंदिर। नेक्स्ट है, राजस्थान में खेल जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, राजस्थान खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान। नेक्स्ट है, राजस्थान किस जिले में पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, बिल्कुल करेक्ट है, बाड़मेर जिले में मिले हैं तेल के और पेट्रोलियम के भंडार। नेक्स्ट है, निम्न में से मारवाड़ के पंच पीरों में किसका नाम लिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, गोगा जी का नाम लिया जाता है राजस्थान में मारवाड़ के पंच पीरों में। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश का की राजधानी विराटनगर हुआ करती थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, जयपुर के दक्षिणी क्षेत्र में हुआ करती थी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध केला देवी का मेला किस जिले में आयोजित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, करौली जिले में आयोजित होता है प्रसिद्ध केला देवी का मेला। नेक्स्ट है, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है और ऋग्वेद में। प्राचीन जैन तीर्थ नाकोड़ा का संबंध किस जिले से है।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, बाड़मेर जिले से संबंधित है, जैन जिनका नाम है तीर्थ नाकोड़ा। नेक्स्ट है, राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बास्केटबॉल है और राजस्थान का राजकीय खेल। नेक्स्ट है, बाबा रामदेव का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर स बिल्कुल करेक्ट है, अद्दुकाम से मेसर हुआ था बाबा रामदेव का जन्म। नेक्स्ट है, अजरक प्रिंट किस स्थान की प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, बाड़मेर की फेमस है अजरक प्रिंट। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में दशहरा मेला लगता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, कोटा जिले में लगता है प्रसिद्ध दशहरा मेला। नेक्स्ट है, श्री रंगनाथ जी का मंदिर और राजस्थान कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर स बिल्कुल करेक्ट है, अजमेर जिले में स्थित है श्री रंगनाथ जी का मंदिर और राजस्थान में। नेक्स्ट है, राजस्थान में मारवाड़ उत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर जिले में मनाया जाता है मारवाड़ उत्सव। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां किस, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से, बाड़मेर जिले में मिलती है सर्वाधिक बकरियां राजस्थान और राज्य में। नेक्स्ट है, किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, हूण ने किया था राजस्थान की गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस प्रदेश को बीहड़ मिलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, चंबल बेसिन में मिलते हैं बीहड़ और राजस्थान में। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध सांबर झील राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर स, जयपुर जिले में स्थित है प्रसिद्ध सांबर झील राजस्थान में। नेक्स्ट है, राजस्थान के रणकपुर जैन मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, धरणशाह ने बनवाए थे रणकपुर के जैन मंदिर। नेक्स्ट है, वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1919 में की गई थी वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना। नेक्स्ट है, मारवाड़ उत्सव राजस्थान में कहाँ मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर स, जोधपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के घरों में दीवार और चबूतरे पर बनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर स बिल्कुल करेक्ट है, इसे सांझी कहते हैं, गोबर का उपयोग करते हुए दीवार और चबूतरों पर जो बनाया जाता है उसे सांझी कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय का संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर स, गोरांश महाप्रभु थे जिन्होंने गौड़ीय संप्रदाय स्थापित किया था राजस्थान में। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम राजस्थान में रेडियो का प्रसारण हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है, सबसे पहले जोधपुर में हुआ था रेडियो का प्रसारण राजस्थान में। नेक्स्ट है, लोक देवता तेजाजी की माता का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट है, राजकुंवर था लोक देवता तेजाजी की माता का नाम। ने करणी माता कौन से राजवंश की कुलदेवी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, चौहान वंश के राजाओं की कुलदेवी है करणी माता। नेक्स्ट ने आबू रोड के तेजपाल मंदिर में किसकी प्रतिमा स्थापित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, नेमिनाथ जी की प्रतिमा स्थापित है आबू रोड के तेजपाल मंदिर में। नेक्स्ट ने चुने निम्नलिखित में से कालीबंगा के खोजकर्ता, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, ए घोष है जिन्होंने कालीबंगा सभ्यता की खोज की है। नेक्स्ट ने प्रसिद्ध वेणेश्वर मेला राजस्थान के किस
कौन से जिले में आयोजित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डूंगरपुर जिले में आयोजित होता है प्रसिद्ध वेणेश्वर मेला। नेक्स्ट सुने, राजस्थान सबसे अधिक सीमा किस पड़ोसी राज्य से लगती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, बिल्कुल करेक्ट है, जो मध्य प्रदेश जो राज्य है उसके साथ में सबसे लंबी सीमा बनाता है राजस्थान और राज्य। नेक्स्ट सुने, राजस्थान में सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, जैसमंद झील, जो कि उदयपुर में स्थित है, यह सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट सुने, राजस्थान में घूघरे मेले का आयोजन कौन से माह में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर स, पौष माह में किया जाता है घूघरे मेले का आयोजन और राजस्थान में। नेक्स्ट सुने, कपिल मुनि का मेला राजस्थान में कहाँ मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर स, कोलायत झील के किनारे बीकानेर जिले में मनाया जाता है कपिल मुनि का मेला। नेक्स्ट सुने, शेरगढ़ अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर स, बारा जिले में स्थित है शेरगढ़ अभ्यारण्य। नेक्स्ट सुने, राजस्थान में सीसे व जस्ते के सर्वाधिक भंडार कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर स, जावर माइंस में स्थित है सीसे और जस्ते के भंडार राजस्थान में। नेक्स्ट सुने, राजस्थान का कौन सा नगर सूर्य नगरी कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर स, जोधपुर नगर कहलाता है सूर्य नगरी राजस्थान का। नेक्स्ट सुने, राजस्थान का कौन सा नगर वनस्पति घी के अधिक कारखाने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयपुर शहर में स्थित है वनस्पति घी के सबसे ज़्यादा कारखाने। नेक्स्ट सुने, राजस्थान में वर्षा का सामान्य औसत जिले से सबसे कम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, जैसलमेर जिले के अंदर जो वर्षा का औसत है उससे भी सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट सुने, राजस्थान में प्रथम नगर पालिका कहाँ स्थापित हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर स, उदयपुर शहर में हुई थी सबसे पहले नगर पालिका की स्थापना। नेक्स्ट सुने, किस शासक के शासनकाल में पिछोला झील का निर्माण किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, राणा लाखा के शासनकाल में हुआ था पिछोला झील का निर्माण।